हेलो एवरीवन, आज मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नाउ प्लैनेट्स ये ना ज्योग्राफी का एक पोर्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ना साइंस में जो जनरल साइंस वाला पोर्शन होता है उसमें भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूँ प्लैनेट्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, जो प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, अब जो सोलर सिस्टम में हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं, टोटल आपके पास 8 प्लैनेट्स हैं और 8 और 9 में ना अभी कन्फ्यूजन चल रही है, बट इन शॉर्ट टोटल जो है 8 प्लैनेट्स है। सबसे पहला अर्थ मार्स जुपिटर यूरेनस नेपच्यून सैटर्न, ऐसे करके हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स है। यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है। अब इसमें से जो आपके स्टार्टिंग के फोर है, मर्क्यूरी वीनस अर्थ और मार्स, ये जो प्लैनेट्स हैं ये रॉक मटेरियल या फिर मेटल से मिलके बने होते हैं। इसका मतलब जो इनका जो सरफेस है वो हार्ड सरफेस है, जिस पे वॉकिंग पॉसिबल है या फिर आप इस पे इजीली चल सकते हैं, ठीक है। ये जो है, अब यहाँ पे पॉइंट को लिख सकते हैं कि ये मर्करी वीनस अर्थ और मार्स, इनका जो है सरफेस वो हार्ड है क्योंकि ये रॉक या फिर मेटल से मिलके बने हैं। जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना वो दो ही तरीके की चीजों से मिलके बने हैं, या तो रॉक मेटल से बने हुए होंगे या फिर गैसेस से। तो जो टोटल 8 प्लैनेट्स है वो 4-4 पार्ट्स में डिवाइड है। अब स्टार्टिंग के जो 4 है ये रॉक और मेटल से बने हैं। इसके अलावा जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है ये वाले प्लैनेट्स गैसेस मटेरियल से बने हैं, लाइक हीलियम और ऐसी कुछ गैसेस हैं जिनसे मिलके ये बने हुए, हाइड्रोजन हीलियम। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं कि जो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 प्लैनेट्स हैं जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून, ये इनका जो सरफेस है वो सॉलिड सरफेस नहीं है क्योंकि ये गैसेस पार्टिकल से मिलके बने हैं। एज यू ऑल नो कि हमारे पास सॉलिड लिक्विड और गैसेस 3 स्टेट्स होती हैं, जिसमें इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं इस तरीके से, और जो लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा गैप होता है, समथिंग लाइक दिस, और जो गैशियस पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा गैप होता है, ठीक है। तो ये गैशियस मटेरियल से मिलके बने हैं, हाइड्रोजन हीलियम इस टाइप की गैशियस से बने हैं, तो ऑब्वियसली इनका जो सरफेस है वो हार्ड सरफेस या सॉलिड सरफेस नहीं है। इसके अलावा जो हमारे सन है, सन क्या है, एक तरीके का स्टार है। इसके जो सबसे पास में जो प्लैनेट है वो प्लैनेट है मर्क्यूरी, और जो इसके सबसे दूर में है वो है नेपच्यून। आप इनको क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन के सबसे पास वाला मर्क्यूरी है और सबसे दूर वाला जो पोर्शन है या प्लैनेट है वो है नेपच्यून। इसके अलावा जो हमारा जो प्लैनेट्स है, जो सोलर सिस्टम है, वो किस किस उसमें क्या क्या चीजें आती है। एक सन है जो कि स्टार है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, 146 मून्स आते हैं, इसके अलावा बहुत सारे कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स आते हैं, और इन सबके अलावा कुछ छोटे बोने प्लैनेट्स भी आते हैं लाइक प्लूटो, जिसपे अभी चल रहा है कि मे बी इसको हमारे सोलर सिस्टम में एड कर दिया जाए और 9 प्लैनेट्स बना दिए जाए। इसके अलावा जो प्लैनेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो सनलाइट है, सन से जो लाइट हमारी अर्थ के ऊपर पड़ती है वो 1 मिनट 20 सेकेंड्स अप्रॉक्स टाइम लेती है। सन से जो लाइट आती है उसको इतनी देर लगती है। अब आपको पता है कि जो सन है उसमें कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी होते हैं जो हमारी अर्थ के लिए या हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती है, तो उनको उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे अर्थ के सरफेस पे एक लेयर होती है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं, जिसका सिंबल होता है O3। अब इस ये जो लेयर है ओजोन लेयर, ये भी डिप्लीट हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा डिफेक्ट आ रहा है, होल हो गया है ओजोन लेयर में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नियॉन गैसेज ऐसी जो हार्मफुल गैसेज है उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है उसके ऊपर डिफेक्ट आया, जिसकी वजह से वो डैमेज हो गई है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अर्थ जो है हमारी प्लैनेट जिसपे हमारी लाइफ है, जिसपे हम रहते हैं, ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसका जो सरफेस है उसके ऊपर वाटर है, ठीक है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विद लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लैनेट से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।